इतनी जल्दी तैयार हो गए? शादी तो रात की है, तुम अभी से चले जाओगे क्या? शादी में कौन जा रहा है, मैं तो अपने काम से जा रहा हूँ। तुमने तो कहा था कि फवाद की शादी में जाने का इरादा है ना, इसीलिए तुम सकलैन के घर नहीं जाना चाहते। वादा नहीं किया था, सिर्फ बोल दिया था। उसने कौन सा मुझे प्रॉपरली इनवाइट किया है, तो देखा मैं पाकिस्तान में हूँ तो बोल दिया। और अभी दो दिन हुए मुझे बाहर से आए हुए, और मैं पहुंच जाऊं आपके लाडले भतीजे से मिलने। भाई वाह, बचपन में हम तुम्हें शहर तो ले आए बेटे, और तुम बाहर भी चले गए पढ़ाई के लिए, लेकिन सोच आज भी तुम्हारी वही फ्यूडल है। तुम अपने बाप की तरह छोटी छोटी बातों को अना का मसला क्यों बना लेते हो बेटा? अब दोस्तों में ना बुरा मानने वाली बातें तो होती नहीं है, कि उसने देर से क्यों बुलाया, दावत क्यों नहीं दी, ये सब बातें तो नहीं करते दोस्तों के साथ। खैर क्या कह सकती हूँ, और सकलैन तो मेरी बहुत इज्जत करता है मेरे बेटे, और तुम नहीं होते हो ना तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो मेरा बहुत ख्याल करता है। सोचो अकेले में किस तरह गुजारा करती वरना। आपको अना लगती है, मुझे इंसल्ट लगती है, दोनों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। और जहाँ तक रही बात आपके अकेले रहने की, चंद महीनों में मैं वापस आ जाऊँगा, वो मसला भी हल हो जाएगा। हाँ ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा चलो फवाद की शादी में तो जाओ ना बेटे, तुम्हारा बचपन का दोस्त है, और फिर देखना तुम्हारी शादी में भी उसने नहीं आना अगर तुम नहीं गए तो। आई डोंट केयर, मेरी शादी में कोई ना आए, मेरी कौन सा कल शादी होने वाली है। मेरा बस चले ना तो कल ही कर दूँ तुम्हारी शादी। तुम्हारे सारे दोस्त शादीशुदा हैं, अब सिर्फ तुम ही कमारे रह गए हो। और वैसे मैंने बहुत सी लड़कियां भी देख रखी हैं, और मेरे पास तस्वीरें भी हैं। अभी हम इस पे बात नहीं करेंगे, दो दिन हुए कोई बात नहीं होगी इस चीज पे। बात अभी ना सही मगर इन्हीं दिनों में होगी, और मैंने हर हाल में ये काम करना है इस बार तुम्हारे जाने से पहले। अम्मी मेरी प्यारी अम्मी, मेरी स्टडीज का नुकसान हो जाएगा, मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा फोकस डाइवर्ट मत कीजिए प्लीज। I need my attention where I need it to be. शादी भी जिंदगी का बहुत अहम फैसला है बेटे। एक काम करते हैं ना, तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हारी मंगनी कर देती हूँ, और जब तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी तुम वापस आना, शादी कर दूंगी। हाँ बाद में बात करेंगे, चले मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए खास नाश्ता बनाया मैंने, चलो बैठो मेरे साथ नाश्ता करो। हाँ चाय पी ली ना मैंने, बहुत अच्छा नाश्ता था, थैंक यू सो मच। भाई जल्दी आना, रात में मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह कुछ भी नहीं सुनता ये लड़का, क्या करूं मैं इतना सारा नाश्ता बना के बैठा।